कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, ये किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है।